लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन नॉनस्टॉप जारी है। 40 घंटे बाद दोनों भेड़ियों को बहराइच से स्पॉट वहां पर किया गया। ड्रोन कैमरे में कैप्चर होने के बाद आदमखोरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची तो उसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। माना जा रहा कि आदमखोर भेड़िया फिर से अटैक करने वाला है और फिर वही उसका लास्ट लोकेशन होगा। आज सुबह ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं में भेड़िया ट्रेस हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर ड्रोन एक्सपर्ट को बुलाया गया है। अब चूंकि यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जब थर्मल स्कैनिंग में बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो थर्मल स्कैनिंग में भी दिक्कत होती है। बहराइच में 40 घंटे बाद आदमखोर भेड़िया दिखा और 50 गांव में हड़कंप मच गया। डर का डेसिबल मीटर इसीलिए हाई है क्योंकि लंगड़ा भेड़िया अगले शिकार की ताक में है। लगभग 2 महीना से 45 दिन से यहाँ टीम है, विधायक वर्तमान में यहाँ है, वो दौरा किए दौड़ भाग, विधायक जी रात रात का कहते हैं, एक एक गन्ना एक एक खेत का कहते हैं छानत है। गांव में भी कुछ हुआ था? हम लोग बगल वाले गांव में एक लड़का मर गया है, उसको उठाकर काट दिया। कितना बड़ा था? वो 4 साल का लड़का था, जैसे इनके जितना था। वो लोगों को डर नहीं लगता? अरे बचाव के लिए, बचाव के लिए तो इसीलिए तो लाठी डंडा रखते हैं साथ में। आमना सामने हुआ यहाँ पर वीडियो से? हाँ, हो चुका है कई बार। और 5-6 लोग साथ में निकलते हैं घर से, गांव वाले ऐसे पकड़वा देते हैं, ये सहयोग कर रहे हैं ना कि पकड़ जाए भेड़िया, डर खत्म हो जाए। पिछले 2 दिनों से बहराइच में थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि सीतापुर में अटैक करने वाला सियार है और बहराइच में, अगली सुबह ड्रोन कैमरे ने लंगड़े भेड़िए को कैद किया तो फिर से अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकले तो हाथ में लाठी डंडे थे और पटाखे फोड़कर आदमखोरों को दूर भगाने की नई कोशिशों में जुट गए। पिंडला है वो यहाँ से काफी दूर लगाया गया है, वहां तक किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन ये ऐसा जो पिंडला है, इसी पिंजड़े का इस्तेमाल किया गया है और इसी पिंजड़े में एक मेमने को, एक बकरे को डाला गया है। और यहाँ पर ये देखिए जो पिंडला है, इसको यहाँ से वायर से बांधा जाता है। नीचे जो आप देख रहे हैं, इस ये अचानक बंद हो जाता है। जैसे ही भेड़िया यहाँ से अंदर आएगा, अंदर अपने शिकार का शिकार करने, तो शिकारी का खुद शिकार हो जाएगा, क्योंकि अंदर जैसे ही आएगा यहाँ से ये जो गेट है ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो जाल है, ये जाल भी यहाँ पर ऐसे रखे गए हैं। इनको जाल को कल तक यहाँ पर लगाया गया था और अब ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर ऐसी की गई है कि भेड़िए को यहाँ पर पकड़ा जाए, यही सब इंतजाम किए जा रहे हैं। अब देखिए इतने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं। बहराइच में खौफ की वजह है भेड़ियों के मुखिया यानी लंगड़े भेड़िए के इलाके में ही मौजूद, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि झुंड के लगातार कमजोर होने की वजह से वो ज्यादा खूंखार हो चुका है। अपने साथी भेड़िए की तलाश करते हुए लंगड़ा भेड़िया गांव में दस्तक दे सकता है और इंसान का खून मुंह में लगे होने की वजह से अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। 20 किलोमीटर तक शिकार करने की क्षमता उसे घातक बनाती है। वन विभाग के कर्मचारी इस भेड़िए को बाकी आदमखोरों के मुकाबले आकार में बड़ा और बेहद शातिर बता रहे हैं, इसीलिए इसके जल्द पकड़ में आने की दुआएं की जा रही हैं। वाइल्ड एनिमल का जो इंस्टिंक्ट होता है वो डिफरेंट इंस्टिंक्ट होता है, वो इतना फास्ट और इतना क्विक उनका रिएक्शन होता है कि उनके पीछे पीछे लगना, लगातार एज ए ह्यूमंस उनके पीछे लगना, उनको मैच करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों ने चूंकि 4 पकड़े हैं एंड वी नो हमने कैसे पकड़े हैं। एक पैर से बेकार आदमखोर का अगला अटैक बहराइच के किस गांव में होगा, ये सोचकर हर कोई दहशत में है। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की सता रही है, क्योंकि भेड़िए की दस्तक होते ही बच्चे फौरन भाग नहीं पाते, वो खुद को बचाने के लिए भेड़ियों के आगे काउंटर नहीं कर पाते। इतनी देर में भेड़िए मासूमों को निवाला बनाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि जब भेड़ियों का झुंड एक साथ अटैक करता था तो लंगड़े भेड़िए तक शिकार को पहुंचा दिया जाता था, लेकिन अब यह आदमखोर खुद एक्टिव हो गया है। छिप छिप कर वार करने की कला 70,000 की आबादी को 2400 घंटे डरा रही है। लंगड़ा भेड़िया की क्या कहानी है?
कहीं पैर सर उसका जोखिम हो गया होगा, इसीलिए उसको लंगड़ा भेड़ा कह रहे हैं। अच्छा, बड़ा खतरनाक बताया जा रहा था लंगड़ा भेड़ा। वन विभाग जो कोशिशें कर रहा है वो सही कर रहा है, आपको क्या लगता है? सही कर रहा है, कोई कमी रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं, वन विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं। क्या बड़े परेशान कर रहे थे आप? हाँ, परेशान तो कर रहे हैं। क्या समस्या आती? समस्या क्या, हमला कर रहे हैं। हमला कर रहे हैं, भेड़िया पकड़ा जाएगा तो राहत की सांस लेंगे? हाँ, पकड़ा जी तो। कितनी दिक्कत, कितने दिनों से परेशानी आ रही थी? अरे हो गई लगभग महीना दो महीना हो गए। हाँ, आपका सामना हुआ परेशान इधर, आप भी हुए? हाँ, परेशानी तो हुई। रात भर रखवाली भी करते हैं? हाँ, रखवाली रात भर करी। जलेबी किस खुशी में? जलेबी लाए हैं यहाँ पे खिलाने के लिए सब लोगों को, इसलिए भेड़िया पकड़ने आए हैं सब अधिकारी दूर दूर से यहाँ पे, इसलिए लेकर आए हैं हम भी। अच्छा, मतलब आप भेड़िया पकड़ जाएंगे तो जलेबी खिलाएंगे आप? जी, जलेबी खिलाएंगे। इतना परेशान कर रखा था कि आप सबका मुंह मीठा कराएंगे? जी। वन विभाग की 15 से ज्यादा टीमें आदमखोर की तलाश में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटे में फाइनल सर्च ऑपरेशन के साथ भेड़िये की लुगा छिपी बंद हो जाएगी, लेकिन हर तारीख उनके जल्द पकड़े जाने की आस में बीत जाती है। 3 ड्रोन 24/7 जमीन से कुछ फीट ऊपर की तरफ उड़ाए जा रहे हैं। जिस गांव में बाकी 2 भेड़ियों को स्पॉट किया गया, वहां पिंजरा लगाया गया है। थर्मल कैमरों की मदद से भेड़ियों की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से अकेले बाहर ना निकले। 20 अलग अलग हिदायतों वाले पोस्टर भी बहराइच के गांव में बांटे जा रहे हैं। बहराइच के एक सिसैया गांव में हम मौजूद हैं। यहां पर भी भेड़ियों का आतंक है, यहां पर भी बच्चों की जान भेड़िया ले चुका है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कैसे जागरूकता दी जा रही है वो आप यहां पर देखिए। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, जैसे गांव में आमतौर पर बैठक लगती है और वहां चर्चा की जाती है, यहां पर देखिए वन विभाग की तरफ से जो पर्चे जारी किए गए उनकी बात की जा रही है। पर्चे में आपको टाइगर नजर आ रहा है, इसमें आपको तेंदुआ नजर आ रहा है कि बाघ का पंजा कैसा है, तेंदुए का पंजा कैसा है, लकड़बग्घे का पंजा कैसा है, इसमें आपको नजर आ रहा है सोनकत्ता का पंजा कैसा है, गीदड़ का, लेकिन जिसका पहचानना चाहिए उसी का गायब है। मतलब आप देखिए, इसमें भेड़िए का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और भेड़िए का ही गायब है। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? ये बाघों का और वन विभाग की तरफ से जो पर्चा बांटे गए हैं वो निशान हम लोग देख रहे हैं कि ये निशान बाघ तेंदुआ का है, ये बाघ का है, ये लकड़बग्घा का है, ये सोनकुत्ता का है। ये जो पर्चे आपको वन विभाग की तरफ से बांटे गए हैं? जी जी। अच्छा, वन विभाग की तरफ से दिए गए हैं। तो किस तरफ वो जाल लगाया गया जिसके बारे में, जो भेड़िए को पकड़ने के लिए? पिंजरा वहाँ पे लगा है। किस तरफ, थोड़ा सा बताओ कहाँ पर वो जो पेड़ दिख रहा है? इसे बाजू में है थोड़ा सा। अच्छा, वहाँ पर पिंजरा लगा हुआ जी। और वहाँ पर क्या कोई टीम भी है वन विभाग के अधिकारी? वन विभाग की वहाँ पे नहीं है, वहाँ बंगले पे है। हाँ। और बाकी के लोग वहाँ। तुमने देखा है पिंजरा लगे हुए? हाँ, पिंजरा लगे हमने तो देखा। अच्छा, है। उस पिंजरे में क्या किसी को रखा गया है? हाँ, पिंजरे में बकरी बंधी हुई है। बकरी बंधी जी। आमना सामना हुआ यहाँ पर वीडियो से? हाँ, हो चुका है कई बार। हाँ। और 5-6 लोग साथ में निकलते हैं घर से। 5-6 लोग साथ में निकलते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो भेड़िए हैं वो यहाँ से कहीं और जा चुके हैं, ऐसा कुछ? अब ऐसा आज इस समय तो देखा नहीं। आदमखोरों के आतंक से यूपी के कई इलाके कांप रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 2 ड्रोन और 20 कैमरे उस बाघ को खोज रहे हैं जिसने एक किसान को मार डाला, जबकि कई लोगों की जान लेने वाले गुलदार को बिजनौर में पकड़ा जा चुका है। सीतापुर में 1 महिला और 5 बच्चों पर अटैक करने वाले सियार भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा खतरा भेड़ियों से है, क्योंकि इनकी ताकत वन विभाग भी अच्छी तरह जानता है। भेड़ियों के बदला लेने की पहली थ्योरी बताई जा रही है इनकी मांद को ध्वस्त कर देना। दूसरी थ्योरी के मुताबिक लंगड़े भेड़िए के बच्चे को नुकसान पहुंचाना होगा, इसीलिए इंसानों का शिकार कर रहे। तीसरी थ्योरी यह है कि साथी भेड़िए को पकड़े जाने के बाद इनमें आक्रामकता बढ़ गई है, इसलिए माना जा रहा है कि जब तक आखिरी भेड़िए को पकड़ा नहीं जाता तब तक अटैक का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि एक लंगड़ा भेड़िया है, उसको किसी ने चोट पहुंचाई हो, उस कारण से ये शुरू हुआ हो। और जब एक बार मानव का खून उनके मुंह में लग जाता है, नरभक्षी हो जाते हैं, तो फिर वो उसी को साफ टारगेट समझते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी मौतें हुई हैं जिन पर हमला किया गया है, 95% वो बच्चे ही हैं, छोटे बच्चे हैं, और ऐसे व्यक्ति को वो टारगेट करता है जिसको उठा करके वो लेकर के चला जाए। लंगड़े भेड़िया की क्या कहानी है? बार बार बोले लंगड़ा भेड़िया, इसकी क्या कहानी है? उसका एक पैर कट गया रहा है। हाँ।
तो तीन पांव से चलता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे नंबर एक पर, और वही सबसे ज्यादा बच्चों को टारगेट कर रहा, बच्चों को निशाना बना रहा है। अक्सर लोग बताते हैं कि वो भेड़िया एक जगह पे बैठेगा और झुंड वाले भेड़िये जाएंगे, फिर वो शिकार करके लेके आएंगे, फिर वो मिल बांट के खाएंगे। बंदूक, लाठी, डंडे और अब पटाखे। बहराइच के 50 गांव बीते 50 दिनों से इसी तरह रत जगा कर रहे हैं। गली गली जागते रहो का अनाउंसमेंट हो रहा है। आदमखोरों से बचने के लिए दिन रात पहरा दिया जा रहा है। सबने ठान रखा है कि जब तक भेड़ियों का पंजा बहराइच में दौड़ता रहेगा, तब तक वो भी सुकून की नींद नहीं लेंगे। भेड़िये की दहशत की वजह से काफी वक्त से लोग परेशान, और यहाँ पर अभी आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं, और ये आप पीछे देखिए, ये जो आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं की आड़ में भेड़िये छुपे रहते हैं और उसके बाद झुंड में इकट्ठा होकर हमला करते हैं, और ऐसे ही रास्ते से वो गांव की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं। और इसीलिए ये देखिए, हाथों में टॉर्च लेकर ग्रामीण यहां पर हैं, ये हाथों में लठ लेकर, बांस लेकर, ये सभी लोग एकजुट होकर यहां पर इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों की रखवाली करनी है। जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे, जो हमारे पास सुविधा है हम अंदर छुपा के रखते हैं, और हम लोग लाठी या भाला गड़ा से जो हमारे पास औजार है बैठ करके और चार लोग गांव के मिल करके अपने गांव के रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि यही वो जगह है जहां पर भेड़िये देखे गए थे? हाँ सर, यही पर देखा गया था, इसी से यही रास्ते से आया था, इसी गन्ने में चला गया था, इसमें हम सब हमला मचाया था, इसके वजह से मैं सब ढूंढ रहा था, मिला नहीं है सर। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई? अरे 50-60 हुई है, है ना। इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा, ऐसा कभी हुआ हो? कभी नहीं हुआ रहा है। तो अभी ऐसा क्यों लग रहा है? कोई बड़े बुजुर्ग बेहतर बता सकते, अब ऐसे क्या हो गया? अभी पता नहीं कहाँ से आई गई। बहराइच में जितने भी अटैक भेड़ियों ने किए हैं उनमें एक बात समान तरीके से सामने आई है, और वो है टाइमिंग। अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो वक्त होता है रात के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। जिन घरों में अब तक दरवाजे नहीं थे वहां भेड़ियों ने बच्चों को अपना शिकार बनाया। इसीलिए प्रशासन और विधायक ने पहल करते हुए कई घरों में दरवाजे भी लगवा दिए, और इसी जागरूकता के बाद भेड़ियों के हमलों की संख्या में गिरावट आ गई। कहीं से भी सूचना आती है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम अपने ड्रोन को वहाँ पे दौड़ा देते हैं, वहाँ पे हम स्टाफ दौड़ा देते हैं, वहाँ पे हम दिखवा लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है। हम लोग किसी भी चीज को सिर्फ ये नहीं बोलते कि अफवाह है, हम उसे वेरीफाई करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वेदर इट इज देयर और नॉट। कोशिश पूरी है, यदि होता है ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस का काम हम लोग कर रहे हैं, रात भर हम लोग गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, मैं भी करती हूँ, हमारे कंजर्वेटर साहब, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स, हमारे सारे स्टाफ लगा होता है। बहराइच में 1 साल पहले भी भेड़ियों ने दस्तक दी थी, तब पकड़े जाने तक किसी तरह का इंसानी नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार ये आदमखोर हो चुके हैं और 9 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। ऐसे में